कोई परवाह नहीं करनी, कोई फिक्र नहीं करनी, कोई चिंता की लोड़ नहीं है। यह हमेशा मेरे नाल रहेंगे, मैं इन्हां तों कदे वक्त नहीं होवां। यही बचन कहा सी ना। हुण इतिहास विच इह गल कही जा सकती है कि माता गुजरी जी की शहादत बाद विच, आप शहीद बाद विच होए, पहला बच्चे शहीद होंदे आ, छोटे साहबजादे की शहादत पहला होंदी है, उत्थे इल्जाम लाया जा सकता है, कहा जा सकता सी कि माता जी तुहाडी ते जिम्मेवारी बनती बच्चों तो पहला शहीद होंगे ज्योंदिया जी, बच्चों ने किमें शहीद करवा लिया, उन्होंने तो पहला तुम शहीद होना सी, बच्चे बाद में शहीद होंगे। पर नहीं, ये इतिहास की मंग है, ये लोड़ है, पहला बच्चे ही शहीद होने चाहिए सन। हुए उन्होंने शहादत दे के एक चढ़ती कला का सबूत दिता है। शहादत सिक्खी के ढहती कला का प्रतीक नहीं है। तो माँ कहती है कि जदों तक इन्हों की खेड पूरी तरह पुगती नहीं, इन्हों की खेड पूरी तरह निभती नहीं है, उदों तक मैं भी अपना शरीर नहीं छड़ना। जो पता लगा कि साहबजादे की अज तीजे दिन पेशी भाणा वापर सकता है, तो शहादत हुई, साहबजादे की हुई शहादत। उस समय माँ ने फिर यही कहा कि मेरी ड्यूटी निभ गई है, मैनू ये कोई रोस नहीं है कि साहबजादे चढ़ाई करके या शहीद हो गए, बल्कि इस गल की खुशी है कि उन्होंने सिक्खी के उत्ते प्यो दादियां की दस्तार के उत्ते दाग नहीं लगन दिता। शहादत विच सिक्खी के अंदर कोई रोस नहीं, बल्कि चढ़ती कला का प्रतीक उहदे विच खुशी हुंदी है। वह खुशी इस गल की कि इन्ने तसीहे झलण तो बाद भी दस्तार नूं, पग नूं, केस नूं, सिक्खी नूं दाग नहीं लगन दिता। तो जे अज असीं कहीए कि 20 साल उम्र, 50 साल उम्र, 80 साल उम्र, 100 साल उम्र फलाना जी के गया जी, गल तो देखी जाएगी कि दाग किन्ने कि लगे हुए सी। गल तो देखी जाएगी ना, इन्ना लंबा जीवन होवे पर पूरा जीवन दागी होवे, सिक्खी दी, बाणी दी, केस दी, गुरु दे उपदेश दी गल ना होवे जीवन दे विच। ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी कहते दाग दोष मोह चलिया लाए, मोह चलिया लाए दरगह बैसन नाही जाए, थां नहीं मिलनी गुरु के चरणा। वह भावें उम्र 5-7 साल सी पर गुरु चरणा में थां ते बनाई है ना, गुरु चरणा में उन्होंने बैठना तो मिल गया ना। तो माता गुजरी जी ने भी अपना उत्थे आपा वारिया, वचन किया हुआ सी कि जिथे ये रहेंगे मैं भी उत्थे रहांगी, जिथे बच्चे गए माता भी उत्थे समा गई। कोई विरला हुंदा है जिन्हें अपने मन में इस तरह साध्या हुंदा है, मन अपने मन के फुरनियां कंट्रोल में किया हुंदा है, वह माँ चाहती तो बड़ी बड़ी जगीर मिल जाणगियां सन, हुकूमतां दी उन्हां अगे कह सकते हैं कि बड़े बड़े पदवियां उन्हां नूं मिल जाणगियां सन, सारिया सहूलतां सारे सुख मिल जाने सन। पर नहीं, जिहदे कोल सिक्खी की दात है वह पहला कहिंदा कि मेरी सिक्खी केसां सुआसां नाल निभ जावे, उत्थे फिर आपां कह सकते हैं कि राज ना चाहो मुक्त ना चाहो मन प्रीत चरण कुमला दे, यह है साची प्रीत। यह जीवन जी के दिखाया साची प्रीत हव तुम सुन जोरी। आपां बचन पढ़ रहे हैं कि आम मनुख मनमुख बंदे का मन दौड़ता है, भजदा है, वह कंट्रोल विच नहीं है। मन चंचल धावत फुन धावै, साचे सुचे मैल ना भावै, दौड़ते हुए मन की निशानी है कि उहदे विच मैल है, औगण है, दाग है, जिस करके इहो जिहा मन परमात्मा नूं भौंदा नहीं है। नानक गुरमुख हर गुण गावै, कोई विरला हुंदा है जिहड़ा अपने मालक वल मुख करके मालक वाहिगुरू अकाल पुरख दे गुण गाउंदा है। कोई विरला हुंदा है जिन्हें एक उपराला किया हुंदा है, उन्हां जीवां दा ही लोक सुखीए पर लोक सुहेले नानक हर प्रभु आपे मिले हुंदा है। गुरु साहिब जी दी पार बख्शिश कृपा हुई है, समूह बच्चों ने बड़ा सोहना उपराला किया है, गुरुद्वारा साहब की प्रबंधक कमेटी वालों सोहने उपराले किए गए हैं, तो उन्होंने मावां नूं भी बहुत आप कह सकते कि उन्होंने बहुत बड़ा उपराला है, उन्हां पेरेंट्स का माता पिता का जिन्होंने उद्यम करके बच्चों इस तरह गुरु घर जुड़िया हुआ है। सो अगले प्रोग्राम के इस तरह अपने जुड़े रहना है।
ਮੁਈਆਂ ਭੁੱਲਾ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਸਰਵਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਮੂਹ ਦਾਸਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਫਤਿਹ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਹਾਵਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੁਰਚਰਨ ਵਿਜੋੜ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਮਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਸੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਕਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਕਰੋ ਬਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਠਾਇਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਿਨ 'ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਵਿਸਾਖੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੋ 6:30 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਵਿਆੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਆਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਨਾਸਰੋ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਏਜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੱਕ ਹੱਕ ਅਗਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹਿਨ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਦੋ ਆਲਮ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਖਸਮ ਰਾਜਾ ਕਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੱਕ ਕਰਾ ਗੰਜੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੁਮਲਾਇ ਫੈਜ਼ ਨੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਤਿਹ ਪਈਆ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਪੰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜਾਇਆ ਸਿੰਘ ਕੀ ਸਜਾਇਆ ਮੁਰਦਾ ਹੋਈ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਹ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀ ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਤੜਾਉਂ 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਏਕ ਲੜਾਉਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦੱਬੀ ਕੁਚਲੀ ਨਿਤਾਣੀ ਨਿਮਾਣੀ ਧੌਣਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਧੌਣਾ ਉੱਚਿਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਕਾਮ
अकार तो उपर उठ के सरबत का भला मंगते हुए चढ़ती कला च रहते हुए किरत करो वंड छको ते नाम जपो का संकल्प दृढ़ाया। खालसे की सिरजना की सी एक वड्डी क्रांतिकारी एक वड्डा इनकलाब एक वड्डी समाजिक तब्दीली जिन्हें सिद्धांतक व्यवहारक दोनों पक्षों तो ही समाज में नैतिकता के आधार पर समाजिकता के आधार पर आर्थिकता के आधार पर ते अध्यात्मिकता के स्पिरिचुअली फिजिकली सोशली एंड इकोनॉमिकली सब पद्धर के उत्ते मनुख नूं उपर उठाया समाज नूं उपर उठाया। उस वेले दीआं चल रही रोहित उस वेले ते चल रहे पखंडवाद उस वेले ते चल रहे अंधविश्वास विचों लोगों नूं कढ के ना बराबरी जात पात ते छूत छात का खंडन किया। उन्होंने रोहितवाद का जम के विरोध किया। उस सन्यासियों को गए योगियों को गए गुरु गोबिंद सिंह जी बैरागियों को गए काजियों को गए मुलियां को गए उन्हें सारे प्रेरिया ते समाज में आई कुल कलूखत का तंध्याया चेहरा छंड के रख दिता ता जो उस वेले का खालसे की सिरजना वाला कोमल नैन नक्शा वाला स्वच्छ महानरे वाला स्वच्छ समाज साढ़े सामने पेश हुआ। इसे ही दिन में मनाद्या एडमिंटन खालसा स्कूल के बच्चे स्टाफ की प्रबंधक कमेटी गुरद्वारा सिंह सभा की कमेटी के नाल सहयोग मिलके सारे इकट्ठे विसाखी के खालसे का सिरजना दिवस लगातार मनाते आए हैं। अज भी छोटे छोटे बच्चे तुहाडे सामने अपने कीर्तन के नाल आप जी को निहाल करेंगे। सब तो पहला साढ़े को ग्रेड सैकेंड ए के कीर्तनी जत्थे नाल असी आगाज करांगे जी अज दा। तुम्हारी ओट तुम्हारी आशा बैठे
सिंह ते साहिब सिंह भी दित्ती जिंद शहीदी पाई। बड़ा खूबसूरत वाक्या है, मैं जरूर कोट करना चाहूंगी। पंज प्यारे आखण लगे, पंज प्यारे आखण लगे, अमृत तुसां छका दिता है, आपा सतगुर आपो अपना हस के सिर कटवा दिता है, तन मन धन सब गुरु दे रखे लाउणा सी सो ला दिता है, जिन्ना चुकदा सी अमृत दा मुल सिर दे के असी ते फिर चुका दिता है। पर हुण तुहानू भी हे सच्चे पातशाह इसे रस्ते आउणा पैणा, ये अमृत मुल आप साढ़े वांग चुकाना पैणा। उतार दियांगा कलगी धर ने उत्तर दिता, मैं भी फर्ज उतार दियांगा, तुसी ते एक एक सिर दिता है, मैं सारा परिवार दियांगा, पहली वार अजीत दियांगा, दूजी वार जुझार दियांगा, पिता तक पहला दे चुका हाँ, माता तक भी वार दियांगा, गुरु नानक दे कदमा दी सौं अमृत दा मुल पा देवांगा, लाड़ टिके दो लाला नूं नीहां विच चढ़वा दियांगा। नमस्कार है ऐसे गुरु नूं, नतमस्तक हाँ ऐसे सतगुरु तो, सलाम है शहीद पुत्रां दे पिता नूं, ते सिजदा है शहीद पुत्र पिता नूं। असी अगे वधदे हां जी अपने पड़ाव वल। साढ़े को वन ए दे बच्चे हाजिर हैं, साडा कीर्तनी जत्था कीर्तन करेगा जी, जप मन मेरे गोविंद की बाणी। मैं तुहाडे चरणा च गुजारिश करांगी कि बच्चे ने बहुत प्यार नाल, बड़े सत्कार नाल, बड़ी ही श्रद्धा दे नाल और बड़ा समा लगा के साढ़े म्यूजिक दे टीचर मैडम गिल ने, कमल गिल, उन्होंने इन्हां नूं इन्ना खूबसूरती नाल तैयार करवाया है, इन्ने उत्साह नाल बच्चे कीर्तन कर रहे हैं। आपां इन्हां नूं सुनना है, प्यार नाल सुनना है, सत्कार नाल सुनना है, जिन्ने उच्चे उच्चे जोश नाल रोह है हन, उस तो भी वध जोश दे नाल असीं इस कीर्तन दे विच हाजरी भरनी है, ते उस सतगुरु दीआं खुशियां भी प्राप्त करनियां हन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। Yeah.
दाम तो ना दे सकूं बेटा मंजूर करो। सुनो दया सिंह भेंट क्या कह चढ़ाऊं मैं। सो पहली किश्त साहेब श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत जदों गुरु साहब केवल 9 साल दे आसतमगर मिलके अजमाए जोहर अपना तू खंजर अजमा ले अजमानू मैं जिगर अपना। कमाल की गल है दिल्ली पहुंचना है बादशाह उत्थे गुरु तेग बहादुर जी खुद जा रहे हैं उत्थे औरंगजेब नू मिलन ते पता भी है कि औरंगजेब नू मिलन दा की मतलब है की माने हैं की होएगा। जब से पता चला है मरने में जिंदगी है सर पे कफन को ओढ़ कर कातल को ढूंढते हैं ये सिर्फ ते सिर्फ गुरु तेग बहादुर जी दे हिस्से आया है। भाई जतीदास जी भाई मतीदास जी भाई दयाला जी तिन्हां नू गुरु साहब के सामने शहीद किया गया। दयाला जी नू देख च बलिया गया भाई मतीदास नू आरे नाल चीरिया गया भाई सतीदास जी नू रूह च लपेट के साड़िया गया ते नाल शर्त की रखी इस्लाम कबूल करो ते जाफिर करामात दिखाओ ते जाफिर तीजी शर्त। गुरु साहब ने कहा है दोने ही नहीं मंजूर तीजी मंजूर है। दुनिया के इतिहास में किसी भी धर्म के इतिहास में एक गल केवल ते केवल गुरु तेग बहादुर जी के जिम्मे आई है कि धड़ का संस्कार कितने होर हो रहा है तो शरीर का शीस का सरकार संस्कार कितने होर हो रहा है। 1675 का लाल अखरी साल थड़ा सारिया गया चांदनी चौक में शरेआम धड़ तो शीस अलग कर दिता गया। फिर की होया छुरियां रोइया कातल रोए यह न होनी गल की होए दिल्ली में हनेर पै गया सूरज कितने घरोया कि चांदनी चौक में होया। साढ़े कोल एडा वड्डा इतिहास है चांदनी चौक साढ़े कोल है सरहंद की दीवार साढ़े कोल है चमकौर की गढ़ी साढ़े कोल है पर लोड़ किस गल की है। लोड़ इस गल की है उन्होंने वारसा संभालने की उन्होंने वारसा यह गल दस कि चांदनी चौक की होया सरहंद की दीवार कौन चिणिया गया चमकौर की गढ़ी में किन्ने शहीदियां पाइया। मैं धनवादी हाँ स्पैशली परसनली निजी तौर पर जाती तौर पर अपनी खालसा स्कूल की उच्ची सोच सोच रखने वाली मैनेजिंग कमेटी की जिन्होंने इस आशय को मुख रख के उपराला किया है। ये बच्चे अज नहीं रोज़ सवेरे मॉर्निंग असैम्बली दे विच जो असं इतने गुरुद्वारे चाहते हाँ ये रोज़ ही अपने सिख इतिहास में सुनते हैं उहदे नाल सांझ पाते हैं और अज नहीं सानू ये पता चल रहा जो ये वड्डे होणगे फिर सानू इस गल की समझ आएगी कि खालसा एडमिटन स्कूल च बच्चा भेज के असं की खटिया ते की गोया। चलो जी आप अगे वधदे हाँ अमृत गुर ते पाया ग्रेड 2B दे विद्यार्थी साडा बहुत ही खूबसूरत कीर्तनी जथा अपने खूबसूरत शब्दों के नाल आप जी नूं निहाल कर रहा है जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। Oh.
ਕਰਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਕਾਣ ਕੜ ਕਰਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀਆਂ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਸਰਦੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਕਮਸਾਨ ਦਾ ਜੁੱਧ 40 ਸਿੰਘ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਉਹ ਵੀ ਮੁਗਲਈ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਜੀਤ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਚਾਰ ਚਾਰ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮਕਸਦ ਹੋਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘਨੱਈਏ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਦਾ ਲੈ ਜਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਏ ਮੇਰੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਹੋਰ ਸੀ ਮੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁੱਲ ਵੀ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਰ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇਵਣ ਲਈ ਗਵਾਹੀ ਜੱਗ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੁਝਾਰ ਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਦਿਆ ਸਿੰਘ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜੀਤ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਾਫੀ ਨਾਲ ਟੱਕ ਲੈਣਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਬਾਕੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹਨ ਫਿਰ ਜੁਝਾਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਦਿਆ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਾਤਿਆ ਉਹ ਸੁਨਹਿਰੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਪਾਲਿਆ ਸਹਿਤ ਦਾ ਜੁਝਾਰ ਦੇਖ ਪੈਰ ਖਿਸਕਾ ਲਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਲੇਜੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਾ ਲਿਆ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਤੇ ਪਖੇਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਦਿਆ ਸਿੰਘਾ ਮੋਹ ਵਾਲੇ ਤਿਣਕੇ ਤਰੋੜ ਦੇ ਸਾਫ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿਆ ਸਿੰਘ ਮੋਹ ਵਾਲੇ ਤਿਣਕੇ ਤਰੋੜ ਦੇ ਛੋੜ ਦੇ ਜੁਝਾਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਛੋੜ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬੰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਵੱਟ ਹੈ ਕੋਈ ਰਵਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਿਆ ਜੱਟ ਹੈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਫੱਟ ਨੇ ਅਜੀਤ ਦੇ ਜੁਝਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਘੱਟ ਨੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਉਹ ਘੱਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਰ ਆਏ ਨੇ ਲਾਲ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਜੀਤੋ ਜੀ ਦੇ ਚਾਏ ਨੇ ਐਸਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਐਸਾ ਸੱਚ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ ਐਸਾ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ ਐਸਾ ਨਿਰਭਉ ਹੈ ਐਸਾ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਲਕ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ ਔਰ ਤਾਂਹੀਓ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰੇਡ 3 and 4 ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਟੇਕ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਡੀਅੰਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਘ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗ੍ਰੇਡ 1 ਦੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗ੍ਰੇਡ 2 ਦੇ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹਨ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੀ ਪੈਨ ਪੜਨ ਗਈ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਆਓ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪਕਨਾ ਕੀ ਟੇਕ ਤੂੰ
ਸੋ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਰੋੜਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬੇਪਰਵਾਹ ਜਾਪੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਾਲੀਏ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਨ ਸ਼ਾਹ ਜਾਪੇ ਨਾ ਬਾਜ਼ ਤੇ ਘੋੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਅਲਾਲ ਨਹੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡ ਆਇਆ ਪਰ ਰਤਾ ਮਲਾਲ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਸਰਬੰਸ ਦਾ ਦਾਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਉਸਤਾ ਸਾਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਚੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਸੁੱਤਾ ਕੰਢਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਵਿਛਾਈ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਾ ਲਈ ਜਦੋਂ ਜਾਤ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਆਈ ਜੀਤ ਤੇ ਜਝਾਰ ਵੱਡੜੇ ਜੋਰਾ ਵਰ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇ ਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੋ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਗਰ ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਦੋ ਚਮਕੌਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਕੰਧ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਚੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਸੁੱਤਾ ਕੰਢਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਵਿਛਾਈ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਬ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਵੀ ਵੇਖੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਸੀ ਉਧਰੋਂ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਠੋ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਕਫਨ ਮਿਣ ਦਿਓ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਉੱਠੋ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਕਫਨ ਮਿਣ ਦਿਓ ਨੀਹਾਂ ਜਿੱਤੇ ਗੱਡ ਕੇ ਇੱਟਾਂ ਦੁਆਲੇ ਚਿਣ ਦਿਓ ਜਲਾਦ ਬੱਧਾ ਹੁਕਮ ਦਾ ਇੱਟਾਂ ਚਿਣਨ ਤਾਂ ਲੱਗ ਪਿਆ ਪਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗ ਪਿਆ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਬੱਚਿਓ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਬੱਚਿਓ ਕਿਉਂ ਨਿਆਈ ਨੂੰ ਤੇ ਮਰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਗੜਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਹੂਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਪਰੀਆਂ ਦਾ ਫਿਸਲਾ ਨਾ ਸਕਿਆ ਏ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਏ ਵਾਲੋ ਦਿਖੀਏ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਭੇਜਾਂਗੇ ਹੂਰਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਉ ਕੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਬੱਚਿਓ ਨਿਆਈ ਮੋਤੇ ਕਿਉਂ ਮਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਗੜਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਜਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬੋਲਿਆ ਕੀ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬੋਲਿਆ ਸੁਣਿਓ ਜਲਾਦਾ ਭੋਲਿਆ ਤੂੰ ਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਰੀ ਜਾ ਦਿਲ ਕਾਸ ਤੂੰ ਹੈ ਡੋਲਿਆ ਤੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬੋਲਿਆ ਸੁਣ ਉਹ ਜਲਾਦਾ ਬੋਲਿਆ ਤੂੰ ਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਰੀ ਜਾ ਦਿਲਕਾਸ ਤੋਂ ਹੈ ਡੋਲਿਆ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਗਾਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਣ ਕੇ ਹੈ ਮੌਤ ਕੋੜੀ ਚਾੜਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਧਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗੀ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਤਿਆਗਦੇ ਹਨ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਗੁਜਰੀ ਮੇਰੀ ਅਲ ਗੁਜਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਘੜੀ ਘੜੀ ਗੁਜਰੀ ਪਲ ਪਲ ਗੁਜਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤੀ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੋਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜੀਤ ਤੇ ਜਜਾਰ ਆ ਹੁਣ ਮੌਤ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਗੁਜਰੀ ਗੁਜਰੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸਿਰ ਤੇ ਸੋ ਮੈਂ ਚੱਲ ਗੁਜਰੀ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਕਲੀਗ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਬੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ ਸਟੇਜ ਵੀ ਸਾਂਭਣੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦਰਦਨਾਕ ਸੀਨ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਛੱਡਾਂ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਲਹੂ ਭਿੱਜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਾਮਾ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੈ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ ਖੂਨ ਕੀ ਹੈ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਛੱਡਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜਾਂ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਪਏਗਾ ਹੌਸਲਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ
ते फिर खालसे दा जदों असीं दिवस मनावांगे साहिबजादियां नूं साडा सलाम जरूर पहुँचना चाहीदा है। चलो जी अगे वधदे हां, साडे किंडरगार्टन सब तो छोटी क्लास के बच्चे आप जी के सामने साडा कीर्तनी जथा ऑसम बहुत ही वंडरफुल उच्च अपार बेअंत स्वामी शब्द लैके शब्द गायन कर रहा है जी। आओ प्यार के सत्कार नाल सरवण करिए किंडरगार्टन का कीर्तनी जथा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। Yeah.
ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾਈਏ ਆਰੇ ਹੇਠ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸੀਸ ਗੰਜ ਤੇ ਗੜੀ ਚਮਕੌਰ ਵਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਜੂਝਣਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੋ ਕੰਧ ਸਰਹੰਦ ਕੋਲੋਂ ਬਾਲ ਚਿੜੇ ਹੋਏ ਕਿੱਦਾਂ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾ ਗਏ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਪੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਸਿਕ ਖੋਪੜੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਸਾ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰੋੜਾਂ ਝੂਠਾਂ ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੈ ਉਸ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਕਰੋੜਾਂ ਕੁਕਰਮਾਂ ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੈ ਉਸ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਕਪਟੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੈ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦੋ ਧਾਰੀ ਖੰਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਭ ਕਰਮਨ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਦੇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਪਰ ਮੋਹੇ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਟੂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਸੁਰੀਲਾ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹਣ ਵਾਲਾ ਆਤਮਕ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀ ਸਿਕਸ ਕਲਾਸ ਦਾ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰੇਗਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
सहारा नहीं सी ताइयो पिता दा सल सहारिया मैं गुजरी मात गुजरी तामी शाम बंदर जिमें गुजरिया वक्त गुजारिया मैं पुत्र चार बख्शे सन परमात्मा ने वह भी जोड़ा जोड़ा करके बारिया मैं मैनू मत शहनचा कहो सिंगो किश्ता नाल ते करजा उतारिया मैं। खालसा खालसा बिलीव्स इन वन गॉड विच गॉड गॉड विच इज ट्रूथफुल इज फेयरलेस इज एनमिलेस इज बियॉन्ड द रीच ऑफ टाइम गॉड गॉड इज ओमनी प्रेजेंट गॉड इज ओमनीपोटेंट गॉड इज ओमनीशेंट गॉड इज ऑल प्रवेसिव ऑल पावरफुल एंड अबव ऑल सॉवरन। फिर खालसा आशिक किसका है? खालसा आशिक है अकाल पुरख का जिसकी डेफिनेशन आप हमने करके गए। तो खालसे का रूप, खालसे का रूप है कि साहबे दिमाग है कि हुस्नल चिराग है कि कामल करीम है कि राजक रहीम है कि रोजी दहिंद है कि राजन राजक रहिंद है क्रीमल कमाल है कि हुस्नल जमाल है। ये है खालसे का रूप। अगे वधते हाँ जी ग्रेट वन बी का कीर्तनी जथा। मैं बेनती करांगी संगत के चरणों च सिर्फ साड़िया साढ़े को दो जथे बाकी हैं। आप सारिया ने अप टू दी एंड जदों तक सवारी अपने विराजमान नहीं हो जाते अंदर जाके सुशोभित होने तो बाद असी सारिया ने इतों जाना है। असी सत्कार नहीं करांगे तो किवें असी अपने बच्चों को सिखावांगे? असी लोगों को किवें दसांगे कि असी ये वाडे हू इज़ द प्रेजेंट गुरु? फस्ट गुरु गुरु नानक देव जी छोटे छोटे बच्चे दसते हैं, टेंथ गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी, प्रेजेंट गुरु गुरु ग्रंथ साहब जी। गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ इत्थे हो रहा हुंदा, आनंद साहब अजे चल रहा हुंदा, असी बच्चों दीआं बाहां खिच खिच के ले जाने, सानू घर जाण दी काली है। इन्हां नूं कितना पता लगेगा? प्रौणा आ जाए उन्हों गेट ते लैण जाने आपां, उन्हों छड़न जाने, सी ऑफ करन जाने, रिसीव करन जाने, हाजर नाजर जहरा जहूर है, हाजर हजूर है, गुरु सामने साक्षात है, सानू काली है अपने घर जाण दी। मैं अज सोच रही सी कि सानू किन्नी काली हुंदी आ, घर जाके सौवांगे, कल सैटरडे है, परसों संडे है, किसे नूं नहीं पता सीगा छोटा जिहा लाल बहादुर शास्त्री, एक गरीब घर च पैदा होने वाला बच्चा लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर बनेगा इंडिया का। और किसी को यह भी नहीं सी पता कि अब्दुल कलाम झोंपड़िया च रहने वाला बच्चा वो राष्ट्रपति बनेगा, किसी को नहीं पता सी कि अब्राहम लिंकन जड़ा अमरीका का राष्ट्रपति बनिया सी उहदे कले घरे लाइट है नहीं सी पढ़न दी, स्ट्रीट राइट ते जाके रात नूं किताब खोल के उस स्ट्रीट लाइट ते पढ़ता सी ते अमरीका दा राष्ट्रपति बने। आपां नूं नहीं पता इहदे च कौन बैठा है, इह साडे भविख दे वारस हन, इह साडा भविख है। मैं असी हफ्ता एक पूरा करदे हां जदों भी किसे गुरु साहिब दा जन्म आउंदा, जन्म प्रकाश दिहाड़ा आउंदा और कोई भी विशेष जड़ा गुरमत नाल संबंधित, तो असी पूरा हफ्ता वो सवेरे असैम्बली के गलबात करते हैं अपनी तुश बुद्धि मुताबक जिन्नी परमात्मा सेध देंदे। तो मैं इन्होंने कहा बच्चो तुसी जानते ही नहीं हो, आई विल टेक यू टू मिनट्स। मैं क्या असी की छड़ के आ गए उत्थे, साढ़े घर बार उत्थे, साढ़े बजुर्ग उत्थे, कुछ लक्की लोग ने जिन्हां दे बजुर्ग इत्थे नाल ने, असी दो दो जीआं एक एक जी बजुर्गां नूं सांभण लई छे महीने उत्थे छे महीने इत्थे। असी जदों वापस मुड़दे हां साढ़े घरां दीआं चाबियां नहीं सानूं मिलदियां, असी जदों वापस मुड़दे हां साढ़े जमीन दे दो किले साढ़े भरावां ने सांभ ले हुंदे आ,
असीं जहाजों उतरदे हां बड़ी खुशी खुशी कि अपने भरावां भतीजां नूं मिलांगे। साडे भरावां नूं साडा ठेका देण दा गम खा रहा हुंदा और उहनां नूं नहीं पसंद आउंदा असीं उत्थे जाइए, क्योंकि असीं जमीन दी गल करनी है। असीं अपनी पीढ़ी सारी कुरबान कीती है, साडे बजुर्ग कुरबान होए ने, खास करके मेरी पीढ़ी वाले लोग, साडे बजुर्ग उत्थे रुल रहे, असीं इत्थे हाँ। अपनिया में फदिया वधिया नौकरियां छड़ के आए हैं, की करना है ही? अहीं तो थे क्लास ऑफिसर सीगे, की करना है दसो? इन्हां नूं सांभण, सांभिया की आके इत्थे सवेरे मैं चल जानी हाँ, शाम नूं आउनी हाँ, उदों नूं बच्चा सुता हुंदा, डैडी का तो पता ही नहीं किहड़े वेले सवेरे जांदे आ ते कदों शाम नूं घर आउंदे आ, बेटा सिंचरार ऐतवार ही मिलदा कितें। की करना है आपां इत्थे? होर नवा कुछ लैण आए ही तो जड़ा हैगा ही वह भी गवा के ना चल चले जाइए वापस। अपन इन्हों सिखा पैना आ कि अपन उदाहरण पढ़ना पेगा, असी सत्कार करना है। अखीर तक प्रोग्राम मैं बेनती करूँगी ते चरणा च, मेरी गुजारिश है सर कि जिन्ना चिर तक प्रोग्राम खत्म नहीं हो जाता उन्नी देर तक कि एक तो इन्होंने कि मेहनत न तैयार किए हैं शब्द, असी अपने बच्चे का शब्द सुन तक थोड़ी ना सीमित आप सारिया का प्रोग्राम सुनना भी अपने बच्चे की आइटम होगी तो लैके चले गए बाकी स्कूलों चेंज हों, असी तो शब्द कीर्तन सुनना है, असी कोई आइटम पेश कर थोड़ा आए हैं। शब्द कीर्तन तो भाई जदों सवारी अंदर सुशोभित हो जाएगी उदों तक सुनिया जाता है, तो इतों घर जाके पल्ले झाड़ के थोड़ी चल जाना, आप लेखा चोखा करना कि असी की लैके आए हैं कि छड़ के आए हैं। सो मैं बेनती करांगी, मैनू पता है तुहानू काल है, मैनू पता है असी नौकरियां ते जाना भी है ते नौकरियां तो आए भी हैं, पर इन्हां बच्चियां दी खातर जिहड़ियां गल्लां मैं कीतियां उन्हां ते एक बारी फिर विचार के आओ। सिर्फ एक ये है ते दो शब्द होर ने, आपां सतगुरां दे चरणां च हाजरी लवाईए, किन्नियां कुरबानियां कीतियां उन्हां ने, किन्ना कुछ कीता साडे लई, अपने बच्चे नूं कंडा लग जे असी पीड़ नहीं सहिंदे, सारा कुछ उन्होंने किया। असी सिर्फ एक घंटा प्रोग्राम बच्चों का सी, साडा अपना भी अध्यात्मक तौर पर स्पिरिचुअली असी इतों कुछ लैके जावांगे। सो प्लीज़ 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 जिनी देर तक सारा प्रोग्राम खत्म नहीं हो जाता मैं तो चरणों बेनती करती हाँ कि तुसी बड़े प्यार नाल बड़े सत्कार नाल इन्हों सरवण करो जी। तो साढ़े अगले जत्थे की वारी है, चरण चलो चलो मार्ग गोबिंद ग्रेट वन वाहेगुरु जी की फतेह। Yeah.
नानक की कसम है, जितनी भी हो गोविंद की तारीफ वो कम है। एक मुसलमान कवि होया अल्लाह यार खां जोगी, वो लिखता है कहता करतार की सुगंध है नानक की कसम है, जितनी भी हो गोविंद की तारीफ वो कम है। हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, सतगर के लिखू वसब क्या ताबे रकम है। इस आंख से क्या बुलबुला कुछ कुल बहर को देखे, इस आंख से क्या बुलबुला कुल बहर को देखे, साहिल को जा मझदार को जा नहर को देखे। गुरु गोबिंद सिंह जी बारे गल करनी बिल्कुल उस तरीके नाल ही है जिवें कोई बुलबुला कवे मैं समुद्र की गल करदा। साडे वर्गे नजीज स्मॉल अर्थलिंग्स कीड़े मकौड़े जो मेरे बुद्ध होती मेरे सतगुरा साबित तुम हर जानो आपे, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, मिल सतगुर संग कीरे हम थापे। असी तो डस्ट पार्टिकल्स हाँ, क्यों सोच वेखो कहते धौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रख्या जनसूत। मुठ दया ते रख दिता, जड़ा दया वाला बंदा है वह धर्मी होएगा। दया ते धर्म का सुमेल जड़ा है, संगम जड़ा है, वह हिम्मत पैदा करता है। झूठे बंदे दे पैर नहीं होंदे, दौड़ जाता मिंट च। सच्चा बंदा धर्मी दया वाला धर्म वाला बंदा अख चखर ला के गल करन दी दलेरी रखता है, हिम्मत रखता है, उहदे च हिम्मत आ जाती है। फिर दया होए फिर धर्म होवे बंदे दे कोल, ते उहदे कोल हिम्मत भी होवे फिर उहदा हुक्म चलता है, वह मुकम हो जाता है। उहदी मनदे ने लोकी उहनू सत्कार दिंदे ने, नीचों ऊंच करे मेरा गोबिंद, ते फिर वह साहिब बन जाता है, वह साहिब बन जाता है। ऐसे ही बहुत सारे फिलोसफिकल बहुत सारी दार्शनिकता वरतद्या होया गुरु साहब ने अमृत तैयार किया। चल वर्गा सीतल खंडा भक्ति ते शक्ति का सुमेल जड़ा विच फेरिया, पतासे बाणी की मिठास, पांच प्यारां दा पहरावा नीला, नीला की है निलाहट, निलाहट की है समदृष्टि, समदृष्टि की है आकाश, पंछियां दा आकाश सांझा है हद्दा बन्ने ता तेरे मेरे ने, पंछियां दा आकाश सांझा है हद्दा बन्ने ता तेरे मेरे ने। वादे दी सरहद ते चल जाइए इधरले पासे आ लाइन आ एक लगी लाइन, सिर्फ इधर हिंदुस्तान उधर पाकिस्तान, पंछी कदी उधर उठ के बह जाता कदी उधर बह जाता। दूर कीते जिन्ना हनेरे ने बुद्ध नानक रसूल मेरे ने। खालसे का धर्म जाप का धर्म, खालसे का ज्ञान जाप का ज्ञान, खालसे का शरम सवैये का प्रेम, खालसे का करम चौपाई का, खालसे का सच आनंद साहब के आदर्श, तो फिर खालसे का रूप, खालसे का रूप तो आप ही होना है कि जिदा जन्म ही जप जाप सवैये चौपाई ते आनंद विचों होवे, वो कैसा खालसा होएगा जी? सवाल तुहाडे ते छड्डदे हां, आओ जी आप अगे चलते हाँ। अमृत बाणी हर हर तेरी ग्रेड थ्री दे बच्चे, मैं एक बेनती कर दिया कि आ बच्चे इदा गुरद्वरे च आप दौड़े नहीं फिरते, बच्चे सत्कार है असी नहीं देंगे, कोई होर जातियां होर जड़ियां रेसिस ने होर जड़े क्रीड्स ने रिलीजनस ने उन्हां नूं कित्थों समझ आएगी कि साडे गुरु ने प्रतख। असी गुरद्वारे दे विच बहुत ही ज़्यादा सत्कार देना हुंदा है गुरु ग्रंथ साहिब नूं, असी चुप दा दान बख्शना है, असी कीर्तनी जथे दा सत्कार करना है, असी कथाकार भाई साहब दा सत्कार करना है, असी ढाडी वारा प्यार नाल सुननियां हन सत्कार नाल सुननियां हन। वो साढ़े लिए ही तो सारा कुछ करते हैं जदों स्टेज पर बैठते हैं। घर होर बड़े फंक्शन ने, बहुत सारे घर साडे अपने फंक्शन है जिथे असी गल्लां कर सकते हैं, जिथे असी होर विचारां कर सकते हैं। ये जिहड़ा स्पैशल गुरद्वारे का समा है इनू असी चुप दा दान बख्शना है, तो सिर्फ असी बाणी सुननी है। तो असी बच्चों नू असी फिर मैं अगर सोच रही सी हुणे बैठी सरदार बलजिंदर सिंह संधू साहब साढ़े प्रधान साहब
खालसा स्कूल के संघा साहब साढ़े गुरुद्वारे के सैकटरी साहब इतने विरक साहब भाजी दर्शन सारे जाने मैं हूँ एक एक का नाम ही लवा कि वड्डी सोच है कि असी रोज़ ही बच्चों सवेरे दस दें कि भाई आके मत्था किदा टेकना कख नहीं कराते मान लो पंजाबी वाला टीचर कख नहीं कराता जीरो वो एक ढाई तीन साल के बच्चे भी मत्था टेकना सिखा दिता और प्रसाद लेना सिखा दिता बच्चे मत्था टेकना सिखा दिता सवेरे पच्ची मिनट की मैं माफ़ी मांग के करूँगी गल अपने प्रिंसीपल साहबान तो कि मैनू पाँच मिनट का समा है सवेर की प्रार्थना ली तो मैं रोज़ भी पच्ची मिनट लै जाती भी पच्ची मिनट ए चार साल के बच्चे सवेरे गुरबाणी सुनते पढ़ते आ कभी तुम सोचा ही नहीं होना और एक आवाज़ नहीं मेरा तो शरदा ना सिर चुक जाता इन्ना अगे और रोज़ मैं इतों कहती भी हाँ भी पुत्रो तुम साढ़े तो अगे जे सारे तो नहीं असी साध संत बना देने पर इन्हों चो थोड़े जे भी जे कि इधर लड़ लग गए वारे न्यारे हो जाएंगे कौम के तो मैं सोचते उत्ते उन्होंने तो कुरबान सी कि साड़ी मैनेजमेंट नूं एक कितों सुपना आ गया कि अपने इन्हों बच्चों अपना कुछ देना आ फ्यूचर में इतने होर कल्चर है इतने दूजा कल्चर है तुहानूं सारयां नूं पता जिस कल्चर में मैं शो नहीं रही उस कल्चर चों अपने बच्चे बचाउण दा इको एक तरीका है उन्होंने बाणी ते बाणे नाल ला दिओ मैं अपने एक बच्चे नूं पुछा मैं क्या पुत्रा बड़ी वगदी हनेरी है तत्तियां नूहां हन किदां बचाया जा सकता आउंदी पनीरी नूं कहिंदा जी गल ही बड़ी सिद्धी है मैं क्या इन्नी सिद्धी नहीं जिन्नी तू कह रहा कहिंदा क्यों नहीं कहिंदा एक बार सौण लग्या रोज़ ही अपने बच्चों नाल साहिबजादियां दी शहीदी की गल कर दिओ साहबजादे छोटियां की गल करो नीहां च चिण की गल करो साहबजादे वड्डियां की गल करो बच्चों नूं गुरुद्वारे नाल जोड़ दिओ जो इन्हां दे स्लेटां कोरियां दे उत्ते इमप्रिंट हो जाता है वह सारी उम्र वास्ते और जो तुसीं कहिंदे ना नौजवान बच्चा 24-25 साल का कहिंदे बड़ा साऊ है साऊ क्यों है मेहनत हुई है मापिया ने टाइम दिता है वह मापिया ने उन्हूं साखियां सुनाईयां ने स्कूल वालियां ने साखियां सुनाईयां ने उन्हूं बबाणियां कहानियां पुत सुपुत करेन ये बच्चे तुहाडे इतों कुछ लैके जाते सो आप इन्हों सिखा हों कि गुरुद्वारे कि बैठना है ये साढ़े गुरु हैं इन्हों का असी सत्कार कि करना है मैनू भी अपरचुनिटी कभी कभी मिलती है माइक पर आने की तुहाडे नाल गलबात करन दी तो मैं कहा चलो मैं भी तुहाडे नाल सांझ पा लवा कि आप जिहो जिहा भी चाहवांगे असी अपने बच्चे नूं बना सकते हैं पर सानूं समां देना पवेगा उहदे ते उहदे नाल गल्लां बातां करनियां पैणगियां अपने धर्म बारे अपने कल्चर बारे आओ जी असी अगे वधदे हाँ ग्रेड 3 के बच्चे कीर्तनी जथा है Yeah.
गुरु गोबिंद सिंह जी सच्चे पातशाह दशम पातशाह कलगियां वाले नीले दे असवार बाजां वाले सरबंसदानी मर्द अगमड़ा महान उत्कृष्ट एक युग है। गुरु गोबिंद सिंह एक संस्था है, गुरु गोबिंद सिंह एक इंस्टीट्यूशन है। गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म उषा दी लाली है। गुरु गोबिंद सिंह का बचपन वेंदी नदी का उछाल है। गुरु साहब जी का जीवन संघर्ष का अखाड़ा है। जन्म पटना साहिब का, फिर आनंदपुर साहिब, कितरे बाईधार दे राजे, कितरे खदराने की ढाब, कितरे चमकौर की गढ़ी, कितरे माशीवड़े का जंगल, कितरे साबो की तलवंडी, तो फिर हजूर साहब। औरंगजेब नाल टक्कर होंदी है, बहादुर शाह नाल दोस्ती है ना कमाल। देखण नूं बड़ा स्कॉलर जे तुसी सिर्फ उतली जिहड़ी बुद्धि है ना, जे सिर्फ बुद्धि नाल तुसी इतिहास पढ़ो तो बड़ी अजीब घटना लगती है कि देखो जी गुरु नानक देव जी कहिंदे मैं जंजू जनेऊ पाउणा नहीं, गुरु नानक देव जी कहिंदे मैं जनेऊ पाउणा नहीं, गुरु तेग बहादुर जी कहिंदे मैं जनेऊ लैण नहीं देना। मसला जनेऊ दा है, मसला जनेऊ दा नहीं है, मसला जबर दा है, मसला जुलम दा है। ना मर्जी नाल किसे होर नूं लाउण देना है ते ना किसे दी मर्जी नाल पाउणा है, ये ते मेरी मर्जी है, ये ते खुद दी मर्जी है बंदे दी। सो इसे तरीके नाल औरंगजेब चमकौर दी कड़ी च बच्चे शहीद करवाउंदे ने, औरंगजेब करके छोटे साहबजादे सरहंदी द्वार च चिणे जांदे ने, औरंगजेब करके माता जी ठंडे बुर्ज च सवास दिंदे ने। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਚੋ ਜਾ ਭਾਈ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਦਾਦੇ 'ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖ ਲਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਜ਼, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ, ਸਭ ਫਿੱਕੇ। ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਮਾਤਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ, ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ, ਸਾਡੇ ਪੜਦਾਦੇ ਕੌਣ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਬੜਾ ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ, ਗ੍ਰੇਟ ਫਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋ ਚੇਲਾ।
ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਗਉਤੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਮਾਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਵਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਕੂਲ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ। ਮਾਪੇ ਕਹਿਣਗੇ ਪਰ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ, ਸਕੂਲ ਦਾ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮਾਂ ਦਾ। ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕੌਮ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕੌਮ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਣਾ ਹੈ, ਪਾਟਰ ਵਾਂਗ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਜਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਜਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ, ਟੀਚਰਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜਾਇਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵੀ ਫਰਾਖ ਦਿਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੇਜਾਨ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਲ ਰਹੇ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀਂਦੀ ਜਾਨ ਜਾਗਦੀ ਧੜਕਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਲਿਸ਼ਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਚਮਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸੁਪਨੇ ਤਰਾਸ਼ਣੇ ਹਨ ਉਸਦੇ, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗਗਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਧਿਆਪਕ। ਦੂਸਰੇ ਮਾਪੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਇੰਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੱਥ, ਟੀਚਰ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇੰਨਾ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਟੀਚਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡਾ 10-10 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਰਵੀਨਾ ਦਿਓਲ ਜੀ ਦਾ, ਸਿਮਰਤ ਸੰਧੂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਲ ਗਿੱਲ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਕੂੜਾ ਆੜਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਦੀ ਹੋਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਦੀ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਆ, ਕਦੀ ਉਹ ਆ, ਕਦੀ ਇਹ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਆੜਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਸਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਉਣਾ ਆ। ਹੈਟਸ ਆਫ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਟੀਚਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ, ਇੰਡੋ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਦਿਲ 'ਚੋਂ
आशीर्वाद निकलते हैं कि ये कल दे डॉक्टर होन, डॉक्टर कल दे वकील होन, कल दे इतों दे अफसर होन, ता जो साडा इत्थे आया सफल हो। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जस तो बिना कुछ संभव नहीं हो सकता। 50% कंट्रीब्यूशन जिहड़ी है बच्चे की परसनैलिटी गुरुद्वारे की है, जो गुरुद्वारे तो बिना संभव नहीं साढ़े लिए करना। सतविरक साहब, प्रधान साहब, संगा साहब ते सारी गुरुद्वारा मैनेजिंग कमेटी जिहड़ी साढ़े नाल बहुत साथ दिंदी है, और कीर्तनी जथे भाई सोमा सिंह जी लुधियाने वाले, भाई परमिंदर सिंह जी रसिया जलंधर वाले, कथाकार भाई साहब साढ़े जड़े ग्रंथी वीर ने, इन्हों नहीं पता अशोपले ही इन्हों का की प्रभाव है साढ़े बच्चों पर। सुते सुते ही बच्चे इन्हों का प्रभाव ग्रहण करते रहते हैं। मैं इन्हों का भी धन्यवाद करना चाहूँगी। मैं मीडिया तो सरदार रणजीत सिंह खैरा, मैं अज भी यूट्यूब तो देख रही थी कोई पुराना प्रोग्राम कड के देखा, तो फिल्म बना रहे थे भाई साहब, मैं उन्हों का भी धन्यवाद कराँगी ता जो वो जो यूट्यूब पर पाते हैं बच्चे बड़े चाहता देख लेंगे, बड़ा मेहनत नाल साढ़े हर प्रोग्राम वो तैयार करते हैं, वीडियो करते उसकी फिल्मिंग करते हैं और उसके बाद यूट्यूब पर भी पाते। सो तुसी बड़े प्यार नाल, बड़े सत्कार नाल साढ़े अज के इस बच्चों के कीर्तन समागम को सुनिया है, सरवण किया है। असी सारे ही तुहाडे तो आस करते हाँ कि तुसी सानू अपना सहयोग दिंदे रहोगे, इस तरह ही तुसी साडे नाल जुड़े रहोगे। मैं भी चरणा की धूड़ तुहाडे तुहाडियां बख्शिशा दे जाचक, तुहाडा मेल भरिया हाथ तुसी सिर ते रखो। गलतियां हो जांदियां जाने जाने, जदों स्टेज तो बोलना बड़ा औखा लगता है, पता ही नहीं होंदा कित्थे की बोल रहे हैं की नहीं बोल रहे, ये तो बाद च पता लगता है। तो तुहाडियां बख्शिशां सदका परमात्मा होर बल बख्शे। मैं गुरु साहिब गुरु सारे गुरुआं दे स्पैशली गुरु गोबिंद सिंह जी, गुरु नानक देव जी नाल तुहाडे नाल मुखातब होईदा है, तो मैं इन्हां दे जीवन दे होर भी जोज पढ़ सकां, तुहाडे नाल सांझे कर सकां। तुसी अपने आशीर्वाद दिओ, अपनियां बख्शिशां दिओ। मैं एक बार फिर अपने समुचे स्टाफ, समुची मैनेजमेंट, साढ़े प्रिंसीपल रवीना जी ते सिमरत जी वालों आप सब नूं इस खालसा सिरजना दिवस की बहुत बहुत बधाई दिंदी हाँ, ते आप जी का धन्यवाद करती हाँ कि तुसी साढ़े बच्चों नूं हौसला अफजाई की है, उन्होंने दिल जित ले हैं, उन्होंने तुसी बहुत इहो जिही ऑडियंस मैं कभी वेखी नहीं है। तुसी इन्ना खूबसूरती नाल उन्होंने सुनिया है छोटे छोटे बच्चों, असी तह दिल तों तुहाडा सत्कार करते हाँ, ऋणी रहांगे ते फिर भी अखा विछाई रखांगे आउंदे समागम तक। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। गुरु प्यारे साहब सिंह जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप सारियां संगतां धन्नवादी हो जो कि खालसा स्कूल एडमिंटन जो कि इन्हीं प्रोग्राम लिखा गया है, बहुत ही शलांघा जो कदम और बहुत सोहना प्रोग्राम ये जो खालसा स्कूल की मैनेजमेंट साहब रजिंद्र सिंह जी सद्धू, गुरचरण सिंह जी संघा संघा ते दर्शन सिंह जी गिल जो ये प्रबंध निभा रहे हैं, बहुत सोहना निभा रहे हैं। बच्चों पंजाबी नाल जोड़न वास्ते, अपनी मात भाषा नाल जोड़न वास्ते, गुरबाणी नाल जोड़न वास्ते जो उपराले भी किए हैं बहुत शलंघा योग हैं। सो असी इन्हां दे बहुत ही धन्यवादी हाँ, गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी, गुरद्वारा सिंह सभा दी समूह संगत, इस दे नाल नाल बच्चों के माता पिता जिन्हां के बच्चों सोझी दिती है, सोचा दे नाल नाल बच्चों नू बाणी नाल जोड़न वास्ते उपराले किए हैं, ये भी शलंघा योग कदम है, ये भी बहुत बहुत धन्यवाद इन्हां दा किया जाता है। गुरप्यारे साध सिंह जी यही बेनती करते हैं कि अगे तो भी आप
होर बच्चों को लिया के गुरबाणी ने जोड़िए बाणी ने जोड़िए कि जो साडा है भविख उज्जल हो सके। सारिया ही संगतों का माता पिता का बच्चों का प्रबंधक कमेटी का खालसा कुछ प्रबंधक कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद है। हुण आनंद साहब के पाठ होणगे उस तो उपरंत देख बरताई जाएगी उस सुख आसन दवावान जो हैं वो होणगियां उस तो उपरंत आप सारे ने लंगर छकन जाना है ये बेनती है जो प्रवान करो। हुण आओ रल मिल के आनंद साहब के पाठ करिए जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हमारी जियो पिंड सब तेरा वाहिगुरु एक सब तेरी वड़िया कोई नान जान मेरा वाहिगुरु ਰੰਗਰ ਗੁਰਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਮੀ ਸਖਾਏ ਅਰਜਨ ਹਰ ਕੋ ਮਿਸਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰ ਰਾਏ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਏ ਜਿਸਮਿਤੇ ਸੰਤ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੈ ਕਰਨੋਂ ਦਿਆ ਵੈ ਧਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਦਸਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ ਸੁਖਾਸਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਸੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਹੋਈਆਂ ਪੁੱਲਾਂ ਬੇਅੰਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਕਿ ਬਾਤ ਦੇ ਸਮਰਥ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਬਾਤ ਦੇ ਸਫਾਈ ਬਖਸ਼ੋ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਪੂਜ ਕਰ